Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Dipesh. और मेरा नाम है जगदीश. तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक नॉर्मल बात कि बहुत सारी कंट्रीज होती है, उसमें बहुत सारी खुफिया एजेंसीज होती है ना. तो इंडिया में कौन सी है? रो. और इज़राइल में कौन सी है? इज़राइल का पता नहीं. मोसाद. अमेरिका में कौन सी है? CIA. और वैसे ही पाकिस्तान में ISI है. तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है कि जो ISI है वो वर्क कैसे करती है. तो इससे रिलेटेड एक वीडियो है, स्टोरी फैक्ट्स चैनल से वीडियो है. तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद जो भी हमें ऑब्जर्व करते हैं, हम जैसे दीपू है, बाबू है, मैं हूँ, तो उस हिसाब से हम ओके शुरू करें वीडियो. यस. ओके, इस तस्वीर को देखें. ये औरत इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर की बीवी है और इसके साथ बैठा ये शख्स ISI का सीक्रेट एजेंट है, जिसे भारत में चाय का सौदागर बनाकर भेजा गया और इसने इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज को तिगनी का नाच नचाया. ये शख्स कौन था और किस तरह इसने भारत में घुसकर न सिर्फ भारत के आर्मी ऑफिसर्स के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, बल्कि दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज रखने वाले मुल्क की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत के एटमी नक्शे ले उड़ा. यही वो शख्स था जिसने भारत के गोरखपुर का पूरा एयरबेस तबाह कर दिया था. फ्रेंड्स, दुनिया में बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज मौजूद हैं, जैसे CIA, मुसाद, KGB, लेकिन आप यकीन करें कि ISI का लेवल ही अलग है. इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगाएं कि कैसे ये ISI एजेंट इंडियन आर्मी में जा घुसा और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक जा पहुँचा. यहाँ तक कि एक बार इस शख्स पर इंडियन मिलिट्री एजेंसी DMI को शक हो गया. जब DMI ऑफिसर्स ने इसे पूछगछ के लिए बुलाया तो इस शख्स ने जब जवाब में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ अपने ताल्लुकात गिनवाए और आला आर्मी हुकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी तो उस DMI ऑफिसर को अपनी नौकरी के लाले पड़ गए और इस ऑफिसर ने माजरत करते हुए इस एजेंट से कोई भी सवाल ना किया. किस तरह मौत के मुंह में जाकर इस जंबाज ने भारत के एटमी सीक्रेट्स चुराए, इसका अंदाज़ा ना तो सलमान खान लगा सकता है, ना ही जॉन इब्राहम और ना ही अजय देवगन, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि हकीकत थी. इस एजेंट का नाम है सैयद सलीम अब्बास, कोड नेम विनोद चोपड़ा. 1971 की जंग के बाद जब कुछ गद्दारों और इंडियन मिलिट्री एजेंट्स के बायस पाकिस्तान को बांग्लादेश में शिकस्त हुई, तब सैयद सलीम अब्बास तरबेला डैम पर एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. इस हादसे ने पाकिस्तानी लोगों के दिलों पर एक गहरी जर्ब लगाई थी और इन्हीं लोगों में सैयद सलीम अब्बास भी शामिल थे. ISI ने सैयद सलीम अब्बास को चुना और इन्हें चाय का ताजर बनाकर भारत भेजा. सैयद सलीम अब्बास ने विनोद चोपड़ा बनकर भारत की ऐसी की तैसी करके रख दी. सलीम अब्बास दुनिया की बेहतरीन चाय भारत की मंडियों में सस्ते दामों पर बेचा करते थे. इस तरह चंद ही महीनों में इनका नाम कारोबारी हलकों में गूंजने लगा. फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में खाने पीने की चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे. विनोद चोपड़ा यानी सैयद सलीम अब्बास ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंडियन आर्मी की छावनियों में जा घुसे. इन्हें बोलने का फन खूब आता था. इस तरह इनके ताल्लुकात इंडियन आर्मी के आला हुकाम के साथ गहरे होते चले गए. यहाँ तक कि एक ब्रिगेडियर की बीवी इन पर अपना दिल हार बैठी और इसी खातून की मदद से सलीम अब्बास ने इंडियन आर्मी के कई सीक्रेट्स निकलवाए. सलीम अब्बास ने उन तमाम इंडियन रॉ एजेंट्स की तमाम तर तफसीलात ISI तक पहुँचाई जो पाकिस्तान में मौजूद थे और सकूते ढाका में इन्वॉल्व थे. इसके बाद ISI ने ऑपरेशन किया और इन तमाम एजेंट्स को धर लिया. ISI ने सलीम अब्बास तक पैगाम पहुंचाया कि इंडिया एटमी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा इस तजर्बे की तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान पहुंचाई जाएं. सलीम अब्बास इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके थे कि एटमी नक्शों की फाइल भी उड़ा ली और किसी को कानो कान खबर तक न होने दी. इन सीक्रेट एटमी नक्शों के बाद पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना ज्यादा ताकतवर एटम बम बनाया. कुछ ही दिनों बाद इंडियन आर्मी को ये खबर मिली कि पाकिस्तान में इन तमाम एजेंट्स को धर लिया गया है और इसके बाद इंडिया में खलबली मच गई. इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को सलीम अब्बास पर पहले से ही शक था, लिहाजा इन्होंने इनकी जासूसी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. तकरीबन 1 महीने की गिरफ्तारी और टॉर्चर सहने के बाद सलीम अब्बास इनकी हिरासत से भागने में कामयाब हो गए और सीधा मुंबई आन पहुंचे.
ये तस्वीर इनके डीएमआई से भागने के बाद इंडियन अखबारों में शाया की गई और इनको पकड़वाने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। जब सलीम अब्बास मुंबई पहुंचे तो इनकी मुलाकात उस वक्त के मुंबई डॉन यूसुफ मस्तान और हाजी पटेल के साथ हुई। ये दोनों डॉन्स भारत के अंदर मुसलमानों को सपोर्ट करते थे। उस दौर में ये दोनों भारत के सबसे बड़े स्मगलर थे, लेकिन किसी वजह से इनकी आपस में लड़ाई थी और एक दूसरे के दुश्मन थे। सलीम अब्बास ने अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की सुलह करवा दी और इनको एक कर दिया। अब ये जांबाज विनोद चोपड़ा यानी सलीम अब्बास इन दोनों गैंगस्टर्स की आंखों का तारा थे और किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि सलीम अब्बास पर हाथ डालता। लेकिन इंडियन आर्मी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि सलीम अब्बास इस वक्त कहाँ है। इन्हीं दिनों सलीम अब्बास को आईएसआई की जानिब से इतला मिली कि इंडियन मिलिट्री एजेंसी डीएमआई के कुछ जासूस नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, लिहाजा इनको ठिकाने लगाया जाए। सलीम अब्बास को यूसुफ मस्तान ने नेपाल भिजवा दिया और अब इनका सीक्रेट नेम रॉबर्ट माइकल था। यहाँ इनकी मुलाकात एक चीनी मुसलमान लड़की मरियम से हुई जिसने सलीम अब्बास की इस मिशन में मदद की। सलीम अब्बास ने इन 11 एजेंट्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। इस मिशन के बाद सलीम अब्बास को एक और सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भिजवा दिया गया और यहाँ इनका सीक्रेट नेम आसिफ अली था। इस तरह सलीम अब्बास ने कई कामयाब सीक्रेट मिशन किए और फिर थाईलैंड गए और वहां से सही सलामत पाकिस्तान आन पहुंचे और भारत की सीक्रेट एजेंसीज विनोद चोपड़ा को भारत में ही ढूंढती रह गईं। फ्रेंड सलीम अब्बास पाकिस्तान और आईएसआई की तारीख का एक बेहतरीन एजेंट था जो फरवरी 2002 में अपने खालके हकीकी से जा मिला। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो सैयद सलीम अब्बास से वाकिफ होंगे। वाकिफ हों भी कैसे, पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स को अपनी रेटिंग से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान के हकीकी हीरोज के बारे में आने वाली नस्ल को आगाह करें। दूसरी जानिब भारत अपनी झूठी और मनगढ़ंत फिल्मों के जरिए अपने लोगों को झूठ सुना सुना कर अपने ऑफिसर्स को हीरो बना रहा है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अपनी आने वाली नस्ल को तारीख तो बता रहा है, भले ही गलत बता रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पाकिस्तान और आईएसआई के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के ऐसे और हकीकी हीरोज के बारे में जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, तो ये एक कहानी थी। कहानी थी एक। किन की कहानी थी? सैयद सलीम अब्बास। ओके, ये एक ऐसा एजेंट है और होता यही है, जो एक एजेंट होता है वो अपनी कंट्री में नहीं रहता है, वो एक दूसरी कंट्री में रहता है एज़ पर गवर्नमेंट, एज़ पर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनको जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं। और एक बोलते हैं ना, एक मल्टीपल पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो हर तरीके से ढल जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को जल्दी और उस हिसाब से ढल जाते हैं। तो ये उनका एक परफेक्ट काम होता है और ऐसे ही उनको चुना नहीं जाता है, उनको काफ़ी एक टफ एग्जामिनेशन से निकलना पड़ता है मेरे हिसाब से। बाकी हर किसी को इस तरह से शायद एजेंट के रूप में हर कोई लेती भी नहीं है ना। तो ये उनकी कहानी थी और पूरी तरह से उन्होंने इंडिया में अपने काम किए थे, इंडिया में अपने ऑपरेशन किए थे वो बताया गया था। लास्ट में बात उन्होंने ये बताई थी कि चलो इंडिया अपनी फिल्मों के थ्रू बताता है। देखिए, एक होती है नेशनलिज्म होता है, वो ऐसा ही फिल्मों के थ्रू ही बताया जाता है। उसमें कुछ कहानी जब भी कोई स्टोरी होती है तो ऐसे लिखा जाता है कि अपने हिसाब से ये कहानी काल्पनिक है, इनको बताया गया इस तरह से, रिलेट किया गया, बेस्ड स्टोरी है तो ये बताया गया। तो उन्होंने यही बोला है कि मीडिया ये काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से इंडिया में मीडिया भी टीआरपी के लिए काम करती है अधिकतर। एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती है अधिकतर मीडिया, और उसमें कहीं कहीं सच्चाई होती है, कहीं कहीं कुछ ऐसी खबरें होती है जिनका कोई मौजूद मतलब नहीं होता, लेकिन वैसे बताई जाती है, उनको मसाला खबरें कहते हैं, ताकि हम रुक जाते हैं स्क्रीन पर और उसको देखते हैं। और ऐसी कुछ खबरें होती है उसका कोई लेना देना होता नहीं है, जो एक्चुअल जो खबरें होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, उनका इतना बोलबाला नहीं रहता है। फिर भी इनकी कहानी है, इन्होंने चाय के बिजनेसमैन बन के आए थे ना, और एक अच्छा अपनी पैसे भी कमाए मेरे हिसाब से एजेंट रह के उन्होंने ना।
और फिर इंडियन आर्मी में उन्होंने अच्छी तरह जान पहचान की इस तरह से की है। तो ये काफ़ी जिगर वाला काम होता है। और ये एक एजेंसी होती है ना, जो वो कैसा काम करती है वो इससे हमें थोड़ा पता चला है ना। हम काफ़ी सारी मूवियाँ भी होती है उसमें बताते भी हैं, पर ये एक्चुअल रियल स्टोरी है, मूवी वाली स्टोरी नहीं है ना। हाँ तो भाव और दीपू से पूछता हूँ। हाँ भाव। ये पाकिस्तान के एजेंट थे, भारत में खुफिया तरीके से इन्होंने खबरें पाकिस्तान तक पहुंचाते रहे, ना फिर जहाँ जहाँ भेजा वहाँ वहाँ गए, फिर लास्ट में सेफ पाकिस्तान पे पहुंच गए। ओके वहाँ दीपू। इंडिया में वो घुस गए थे, इन्होंने मैप नंबर दिया, वो बोले हाँ मैप। हाँ जो एटॉमिक पावर के जो भी मैप थे, जो भी स्थान, जो भी जगह हैं भारत में, वो शायद उन्होंने यही होता है काम। ओके हाँ, लेकिन एक बात है कि वहाँ के लोग उनको याद नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इनके बारे में पता था या नहीं पता था। क्योंकि एज पर जो वीडियो में बताया गया था, यही बताया गया था कि मीडिया वाले और जो भी लोग हैं वो इनको भूल गए हैं ना। इनका शायद इंतकाल भी हो गया है, अब इस दुनिया में भी नहीं है वो। तो लोग इनको याद करते नहीं करते, इनका नाम याद ही नहीं है, इनको किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान में, ये एक्चुअल कंडीशन आपको पता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ओके तो और भी ऐसे वीडियो हो जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चले, वो हमें भेजते रहिए मेरे इस आईडी पे, पाओ की इस आईडी पे, नहीं दीपू की नहीं है। तो ओके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।